नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 23 अक्टूबर 2020 है। 23 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 77.5 लाख हो गई। इनमें से 69,41,000 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक की टेस्टिंग का आंकड़ा 10 करोड़ के पास पहुंच गया। इधर बिहार में मरीजों का आंकड़ा अब 2,08,238 हो गया है। इनमें से 1,96,208 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमितों में से अब तक 1,019 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनके साथ शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूड़ी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये तीनों नेता भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। ये लोग कई जगह चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। बिहार के प्रथम नागरिक राज्यपाल फागू चौहान ने कोरोना को मात दे दी। गत 9 अक्टूबर को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। राज्यपाल के स्वस्थ होने की खबर से पूरा बिहार खुश है। बिहार में पहले चरण का चुनाव वाले जिलों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण बढ़ने वाले जिलों में 6 जिले शामिल हैं। पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। पटना में आयकर विभाग ने सदाकत आश्रम में छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। छापेमारी में एक झारखंड नंबर की गाड़ी से 8.5 लाख रुपए बरामद की गई। नकदी जिस गाड़ी से मिली उस पर सवार 3 लोगों से पूछताछ चल रही है। इस बीच कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल बोले, छापा क्यों डाला गया यह सब जानते हैं। कोई कितना भी परेशान करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी के कार्यक्रम के एक दिन पहले कांग्रेस मुख्यालय पर छापा क्यों मारा गया यह सब जानते हैं। उन्होंने कहा, भाजपा प्रत्याशी के भाई के पास से 22 किलो सोना मिला। आयकर विभाग की टीम भाजपा कार्यालय नहीं गई। पार्टी आयकर विभाग को जवाब देगी और जनता सरकार को। भाजपा के घोषणा पत्र में फ्री कोरोना टीका पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ा सवाल किया है और कहा है कि बिहार में भाजपा के लिए कोई चेहरा नहीं है। वित्त मंत्री सीतारमन को बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। तेजस्वी की पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना का टीका देश का है, भाजपा का नहीं। भाजपा के घोषणा पत्र पर राजद सांसद मनोज झा ने तंज कसा है और कहा है कि भाजपा का संकल्प तब आया जब बिहार के लोगों ने अपना विकल्प खोज लिया। जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, उस समय यही पार्टी मजाक बना रही थी। अब खुद 19 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जमुई के खैरा प्रखंड में बेटे अजय प्रताप के लिए चुनाव प्रचार कर रहे पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह गुरुवार की शाम लगभग 7:30 बजे काली मंदिर में दर्शन के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। गया में एक ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तेजस्वी को परेशानी हो गई। उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने की अनुमति नहीं मिली। इसको लेकर राजद कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। पुलिस ने मुंगेर से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इसके साथ ही मिनी गन फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 हथियार कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरा के पटेल बस पड़ाव के पास गुरुवार को ओवरब्रिज के नीचे सो रहे युवक को डंपर ने रौंद डाला। मृतक का नाम रविंद्र प्रसाद बताया गया। इस घटना से वहां भारी बावेला मच गया। सीतामढ़ी के रीगा गांव के बबलू महतो की मौत सड़क हादसे में गोपालगंज के मोहम्मदपुर में हो गई। वह अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर था, ट्रक ने ठोकर मार दी। दोनों सड़क पर ही चार चित हो गए। बबलू ने वहीं दम तोड़ दिया जबकि उसका साथी गंभीर है। सिवान के हुसैनगंज में महिलाओं को प्रलोभन देकर एक महिला ने कई महिलाओं को ठग लिया। उनके चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर गांव की सीधी सादी महिला ने अपने कीमती जेवर उसे दे दिए। बाद में पता चला वह अव्वल दर्जे की ठग थी। गया जिले के तेतड़िया गांव में छत से गिरने से एक 14 वर्षीय दुर्गा कुमारी नामक छात्रा की मौत हो गई। वह मनोज कुमार की बेटी थी। इधर गया के ही तुलसी बिघा गांव से एक ऑटो चोरों ने चुरा ली। भभुआ जिले के 70 आपराधिक तत्वों पर CCA लगाया गया है। इन्हें संबंधित थानों में हाजिरी लगानी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह कार्रवाई की गई है। इससे आपराधिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। नवादा जिले में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 3 सेविकाओं को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अब इनकी जगह मेधा सूची में द्वितीय वरीयता वाली प्रत्याशी को मौका मिलेगा।
सासाराम के NH2 पर एक ट्रक की चपेट में नानी और नतनी आ गई, दोनों की कुचलकर मौत हो गई। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इधर चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। मधेपुरा में लूटी गई बाइक व रुपये के साथ पुलिस ने दो को गिरफ्तार कर लिया। तीन बाइक पर सवार बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दी। पीड़ित के आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई की। इंदिरा आवास में दलाली करने के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वह बेला पंचायत के इंदिरा आवास सहायक के लिए दलाली करता था। खगड़िया जिले के बंदेहरा में छापेमारी कर 24 लीटर शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में दो को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य तस्करों की पहचान की जा रही है। पूर्णिया के भवानीपुर बाजार में बलदेव क्रीड़ा मैदान में हाई वोल्टेज तार गिर जाने से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला भवानीपुर निवासी रूपेश शाह की पत्नी बताई गई। बिहार बंगाल की सीमा से सटे दालकोला चेक पोस्ट पर गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से 3,084 लीटर की शराब की बड़ी खेप बरामद किया गया है। दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पूर्णिया जिले के जलालगढ़ के रामदेली पंचायत के मजदूर मोहम्मद नजीर की मौत बिजली के करंट से हो गई। वह एक घर में काम कर रहा था, बिजली तार के संपर्क में आ गया। उसके साथ एक अन्य मजदूर मोहम्मद मुश्ताक भी झुलस गया है। मुंगेर के मधुबन गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से नानी और नतनी की मौत हो गई। मृतका का नाम फूलमणि देवी बताया गया और नतनी का नाम रितिका है। दोनों घर में सोए थे। घर की मिट्टी की दीवार भड़बड़ा कर गिर गई। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।